is a mita dada bit of mini sikap dings madiami. Kami is a mita dada bit of mini sikap dings madiami. Kami is Nam Name. भारत में जो अधिकतर बच्चों के नाम रखे गए हैं या मनुष्य के नाम रखे गए हैं वो पाली पक्ति पर ही रखे गए हैं। संस्कृत भाषा में थोड़े से चेंज हो गए मगर उनका मूल जो है वो आधार पाली ही है। हम यहाँ कुछ कुछ नामों की एक सीरीज बनाएंगे जिससे कि आप अपने बच्चे का नाम समझ सकें कि वो क्या है क्या नहीं है, या अगर आप अपने बच्चे का नाम बदलना चाहें या बच्चे का नया नाम रखना चाहें या उसका निक नेम रखना चाहें, छोटा नाम रखना चाहें, तो उसको पाली में बुलाया जा सकता है। ये सारे नाम जितने भी हैं गुणवाचक नाम हैं, यानी करैक्टर के हिसाब से हैं। जो अच्छे गुण होते हैं उन्हीं पे पहले पाली में नाम रखे जाते थे, वही नाम पाली में दोबारा से। तो ऐसे हम आरंभ करेंगे कि ऐसे, क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है उसके अंदर ए सबसे पहले आता है, ए के नाम। अकट या अकत, अकट या अकत ये मेल नाम है। अभी हम पुरुषवाचक नाम बता रहे हैं, पुल्लिंग यानी मस्कुलर नाम। अकट या अकत इसका मतलब है एकृत यानी नेचुरल, जो किया गया ना हो, जो बिल्कुल नेचर से पैदा हुआ हो उसको अकत बोलते हैं या अकट बोलते हैं। ये नाम बहुत ज्यादा नेचुरल है, प्राकृतिक है। अकीलासु, अकीलासु का मतलब है जिसमें आलस ना हो, अकीलासु। किलासु का मतलब है आलस वाला और ए किलासु का मतलब हो गया जिसमें आलस ना हो, ए किलासु यानी जो एक्टिव है जिसके अंदर आलस नहीं है। अकुतोभय, अकुतोभय का मतलब है जिसके अंदर भय नहीं है, जो निडर है उसको अकुतोभय बोलते हैं। इसको अभय भी बोलते हैं, अभय का मतलब जिसमें भय ना हो, या अकुतोभय निडर। अकुप, अकुप का मतलब है स्थिर, जो बिल्कुल फिक्स है, स्थिर है, अपनी बात पर अडिग रहता है उसको अकुप बोलते हैं, कि ये अकुप है, ये अपनी बात से डिगता नहीं है, हिलता नहीं है, ये स्थिर है, बिल्कुल अकुप है। अक, अक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अक का मतलब है सन और सूर्य, सूरज, यानी अक जो बोलते हैं पाली के अंदर, और भी नाम है, अक का मतलब है यहां पर सन, सूरज या सूर्य, इसको अक बोलते हैं। अक्खत, अक्खत का मतलब, अक्खत बहुत सारे लोग नाम रखते हैं मगर वो अक्षर रखते हैं। बेसिकली आधा के और खे जो पाली का है उसको बाद में छे बनाया गया, जैसे खेत का क्षेत्र बन गया ऐसे ही अक्खत का अक्षय बन गया। अक्खत माने होता है जो अनहट है, जिसको नुकसान ना हुआ हो, जिसको नुकसान ना किया जा सके, जिसका क्षय ना हुआ हो, यानी अक्खत हो गया। दस्य, अखदस्य का मतलब है न्यायाधीश यानी जज। अखदस्य, अखदस्य नाम जज के लिए बोला जाता है। अखदस्य का मतलब है जज, जो जज करता है, जो न्यायाधीश होता है, जो न्याय करता है, अखदस्य। अखे, अखे जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अखे का मतलब है इटरनल, जो हमेशा रहेगा, जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय, अखे बोलते हैं इसको। अखे का मतलब है संस्कृत भाषा में इसको अक्षय किया गया, आधार के और खे को छह करके बोला जाता है। तो अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी कोई भी मारा ना जा सके, जो इटरनल है, हमेशा रहेगा। ये दस नाम है जो पुरुषवाचक है, मस्कुलर है, और महिलाओं के जो नाम है वो इस प्रकार से हैं। अक्षरमाला, अक्षरमाला का मतलब है जो अक्षर हम बोलते हैं, अक्षर को अक्षर बोलते हैं, अक्षरमाला यानी वर्णमाला। माला जो महिलाओं के नाम है उनमें बाद में अधिकतर में आ आता है, और जो पुरुषवाचक नाम है उनमें अधिकतर में ए आता है, लास्ट में ए की आवाज आती है। इसलिए जो आ आता है उसका मतलब वो फेमिनाइन हो गया, वो फीमेल का नाम हो गया, वो स्थी का, वो इथी का नाम हो गया, वो महिला का नाम हो गया, वो फीमेल हो गया, वो इथीवाचक हो गया। तो अक्षरमाला यानी अक्षरमाला महिला का नाम है। अखरिका, अखरीका, अखरीका अक्षर पहचानने के खेल का एक नाम है। अखरीका यानी अक्षर पहचाने हवा में या पीठ पर लिखकर, अगर
कोई बच्चा है पीठ पर, उसके पीठ पे अगर कोई अक्षर बनाया जाए और वो उसको पहचान ले तो इस खेल को अखरी का बोलते हैं। ये बहुत पुराना पाली के समय का खेल है जो बच्चे बिहार के अंदर खेला करते थे। जब अशोक के समय में सारे लोग पढ़ा करते थे, उस समय बच्चे पीठ पे जैसे धूप सेक रहे हैं, सनबाथिंग कर रहे हैं, तो बैठ गए, पीछे वाला बच्चा एक कमर पे उंगली से कुछ अक्षर बनाता था। जैसे उसने ए बनाया पीठ पर, अगर वो ऐसे करके ए बनाता है और जो बच्चा है वो पहचान लेता है कि तूने ए बनाया है, तो उससे उनकी जो अक्षर माला होती थी वो मजबूत होती थी। इसको अखरीका बोलते थे। अखरीका खेल का नाम भी है और अखरीका स्त्री का इथिलिंग भी है, बच्चे का नाम रखा जा सकता है। अखी तारा का मतलब है आंख का तारा। अखी माने आंख होता है, अखी चक्षु माने भी आंख होता है, अखी माने आंख, अखी तारा का मतलब आंख का तारा। अखी तार का मतलब है जो आंख के बीच का जो काला हिस्सा होता है पुतली का, उसको अखी तारिका बोलते हैं। अखी तारिका बहुत ज्यादा फेमस नाम रहे हैं पाली के समय में। अग्नि शिखा जो नाम है, अग्नि माने होता है आग अग्नि और शिखा माने होता है जो उसकी लपट होती है, शिखर होता है। अग्नि शिखा यानी अग्नि शिखा जो नाम है, वो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बिल्कुल आग की तरह एक्टिव होता है और काम करता है प्रिया से, तो अग्नि शिखा उसका नाम रखा जा सकता है। अंगना का माने होता है वोमेन, यानी औरत जो बोलते हैं उसको अंगना बोलते हैं। अंगना माने ही औरत होता है, अंगना, या इसको अंगरा बोलते हैं, अंगना या अंगरा, ये नाम है पाली में जो मेल के और फीमेल के, यानी माड़वक के और माड़विका के जो नाम है या जो बच्चों के नाम है, वो आज की सीरीज में इतने ही है। अगली सीरीज में कुछ नाम और आपको बताएंगे, धीरे धीरे करके आपको सारे नाम पाली के बताए जाएंगे, जिससे बच्चों के नाम समझने में, रखने में और पाली समझने में आपको आसानी हो। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam